एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आए हम पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर, यहाँ पर ऑन रोड पर बहुत तादाद के अंदर जिन्हें किन्नर कहा जाता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका जो बैनर है, मैं बैनर को एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ कि दीवानी गुरु पूजा को मारने वालों को पुलिस संरक्षण देना बंद करो, बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन के तहत ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत तादाद के अंदर दिल्ली पुलिस हाय हाय कर रहे हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर इतने बहुत तादाद के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू किन्नर। खुशबू किन्नर जी, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आपका आने का? हम इसलिए आए हैं कि मोंडका थाने का ना SHO सुन रहे हैं, ना IO सुन रहे हैं, ना मुजरिम को गिरफ्तार किए, ना माल बरामद किए, 3 गाड़ियों का भी नंबर दिए जो गुंडे आए थे मारने के लिए। वो तीनों गाड़ियों में 2 गाड़ी का नंबर पुलिस वाले दिखा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, और उनका गाड़ी भी छोड़ दिए, और जो मुजरिम है उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। मुजरिम छुट्टा घूम रहा है। किसको मारा पीटा है? दीवानी को। दीवानी हम मारे चेला को। ये है अभी जैसे कि खुशबू किन्नर ने बताया कि कुछ गुंडे आके हमला किया और ये चोट ये जो दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? दीवानी। हाँ जी। आपको चोट कैसे लगी? ये गुड्डू ने हमें उस तरह मारा घेबरे मोड़ पे। घेबरे मोड़ पे मैं मांग का आ रही थी, सुबह 8 बजे से लेके मांग का आ रही थी अपने चेले के साथ। हमारे साथ वो गुड्डू 3 गाड़ी इक्को थे, उसमें एक इक्को में हिजड़े भरे हुए थे, 2 इक्को में गुंडे भरे हुए थे, और हमें पता ही नहीं थी हमें मारने का साजिश है। मैं घेबरे मोड़ से मांग का आ रही थी, घेबरे मोड़ पर रोक के हमारे साथ गाड़ी आगे रोक लिया, हमारी गाड़ी रुकवा दिया और हमें मारा पीटा हॉकी डंडे से, और हमारे 5 तोले के चेन तोड़ लिया। रितेश उसका जीजा, गुड्डू का जीजा, 1000 रुपया छीन लिया हमारे हैंड बैग से, और गुड्डू हमारे गर्दन पे वार बचाने के चक्कर में ऐसे करीब मेरा गर्दन कट गई है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। हम यहाँ आए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज 1.5-2 महीने से गुड्डू ने दीवानी के साथ वारदात करा, करने के बाद हम थाना के चक्कर लगा के थक गए। पहले ACP DCP सब जगह हम चक्कर लगा के थक गए। अभी भी हमारे जान को खतरा है, कभी भी वो वारदात कर सकता है। हम लोगों के साथ धमकी देता है दीवानी को कि तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये भगवान का शुक्र है कि इसने किसी को अच्छा बुरा किसी का दान ओन कर रखा था, जो इसकी जान बच गई। इसके ऊपर जैसे ही प्रहार करा इनने अपने हाथ से रोक लिया, नहीं तो इसकी गर्दन अलग हो जाती। इसका चैन छीन लिए, इसके पैसे छीन लिए। बेचारी एक एक घर जा जा के दिवाली का टाइम, त्यौहार के टाइम मांग मांग के अपना इकट्ठा करी थी दिवाली मनाने के लिए, वो पैसे इसके छीन लिए, इसके चैन छीन लिए। इसके साथ कितने बुरी तरीके से मारे हॉकी डंडे से, हम लोग खुद अपनी आंखों से देख के हम लोग घबरा गए, ये क्या हुआ इसके साथ में अचानक में। और हम दुनिया के जहान के सारे थाना पुलिस में हाथ जोड़ जोड़ के, अपनी गुहार लगा के, अपने मान सम्मान की भीख मांग के हम थक गए, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं होती। आजकल करते रहते, और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा प्रशासन। हम लोग आज बहुत परेशान हो के, पहले भी आए थे यहाँ, सुबह से शाम तक बैठे रहे, हम गुहार लगाते रहे। इन्होंने बोला आपकी सुनवाई हो जाएगी करके हमें टाल मटाला करके भेज दिए। आज फिर हम मजबूर होके आए हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती यहाँ 10 दिन चाहे 50 दिन जितने दिन लग जाए हम यहीं बैठे रहेंगे, अन सब छोड़ के, हमारे चाहे हम मर जाएं चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सुनवाई नहीं होगी ऐसे भी उसके हाथ से मरना है, ऐसे भी मर जाएंगे हम। तो वो कभी भी इसके ऊपर प्रहार कर सकता है, किसी के ऊपर भी प्रहार कर सकता है, वो तो सब जगह यही कह रहा है। हमें तो यही गुजारिश है कि हमारी सुनवाई हो और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कृपा करे। सरकार से भी हमें यही गुजारिश है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए। चोरी मांग रहा था दूसरा पार्टी, तो फिर उसी के चक्कर में उन्होंने हमारे लिए
भेजा गुंडे मेरे गुरु के घर पर मरवाने के लिए। हाँ जी, गुड्डू ने। अच्छा, फिर गुड्डू ने वारदात किया सर जी। इसके बाद हमारे गुरु जी को भी चोट लग गई, सबको चोट लग गई, हमारे दीवानी को चोट लग गई। बिल्डिंग निर्माण मजदूर संघ के तहत आज हमारे बीच में एक सोशल वर्कर, जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है, और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली मुख्यालय के अंदर। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि जो आज यहाँ जो जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, जिनको एक कोई भी इनका अहमियत नहीं समझते, लेकिन इनको आज इनका साथ देने के लिए हमारे बीच में। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम? बादल खान जी। बादल खान। बादल खान, किन्नरों को मरवाते हैं और पैसा छीनने का काम करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। हम उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ये बताने, ये अभी अंगड़ाई है, इससे बड़ी लड़ाई हम लड़ सकते हैं और लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कुर्ता पैजामा पहन करके भागने वाले नहीं हैं। हम रोड पर बैठ जाएंगे, पुलिस आयुक्त के कमरे में घुस जाएंगे, या राजनाथ सिंह एक नाम के व्यक्ति हैं उनके घर भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता ही सब कुछ है। ये भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये किन्नर हमारा एक अंग है, इनको अगर कोई सताया जाए तो हम लोग साथ खड़े रहेंगे। लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं, गोली मार देते हैं, उनको नजर बंद कर देते हैं। नहीं तो क्या कह रहे हैं कि गुड्डू जैसा एक असामाजिक तत्व, गुंडों का संरक्षक, उसको सरेआम घूम रहा है, वो बच रहा है, उसको बचाया जा रहा है, ऐसा क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी उससे मिला हुआ है। अभी बता रहे थे कि वो दिल्ली पुलिस या थाने वगैरह में गुड्डू की कंप्लेंट की जाती है, तो गुड्डू की बातों को दसियों कंप्लेंट है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आपका क्या मानना है? आपका नाम? हमारा तो हम देश बंधु दीनानाथ मिश्रा है। हम सोशल वर्कर हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों को मकान और पेंशन इसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। कल 17 तारीख को संसद मार्ग पर घेराव करेंगे। कल तो हम जब सुने, खबर मिला इन लोगों के बारे में कैसे हो रहा है, इनको सताया जा रहा, दबाया जा रहा, पुलिस भी इनके साथ में नहीं है, खिलाफ इनके, इनको भी बंद करने कह रहे थे कि ये भी बंद किए जाएंगे, जो धारा उसके ऊपर लगेगा यही धारा इनके ऊपर भी लगा जाएगा, यही बोल रहे थे ना? यही बोल रहे थे। तब से जब हमको खबर मिला तब से हम लोग इनके साथ में खड़े हैं और एडिशनल कमिश्नर से मिल चुके, उन्होंने DCP से बात किया था, SHO से बात करके बड़े मुश्किल से खाली इनका FIR हुआ, गिरफ्तारी नहीं पाया।